जी आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? हाँ ठीक है। अच्छा, अभी हम बात ये कर रहे थे कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की बात की हमने, वर्क अकॉर्डिंग टू गिवन इंस्ट्रक्शन की बात करी, डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है, स्टोरेज कैपेबिलिटी। देखें, जिस वक्त कंप्यूटर नहीं था उससे पहले तो जाहिर बात है आपके पास टैबलेट था, तो अगर किसी को सीवी अपने किसी ऑफिस में देनी होती थी तो एक दफ़ा जो है वो टाइप करवाता था उसकी कार्बन कॉपी के साथ। इवन फोटो स्टेट मशीन भी नहीं थी उस वक्त, तो इसका क्या मतलब था? इसका ये मतलब था कि उसको अगर अपनी सीवी देनी है तो वो बार बार उसको टाइप करवानी होती थी। इसका क्या मतलब है? स्टोरेज नहीं थी, तो स्टोरेज जो है वो आपके पास, अगर आप इसके बाद बात करें कैलकुलेटर की, तो इवन अभी भी कैलकुलेटर इतनी पावरफुल मशीन नहीं होती, तो उसमें लिमिटेड स्टोरेज होती है, यानी टेम्परेरी होती है जब तक आप वर्किंग कर रहे होते हैं, फिर उसको ऑफ कर देंगे। फिर बहुत कम ऐसे कैलकुलेटर होते हैं जिसमें आपको मतलब परमानेंटली स्टोर करके दे। तो कंप्यूटर के अंदर जो है, जब वो इन्वेंट हुआ जब भी से ये बात थी कि जो भी वर्क आप कर रहे हैं तो उसको आप स्टोर कर लिया करें, यानी परमानेंट स्टोरेज उसमें मौजूद थी, जिसको हम हार्ड डिस्क का भी नाम देते हैं या डेटाबेस का भी नाम देते हैं। ठीक है, तो इसलिए इस फैसिलिटी की वजह से ये हुआ कि आपके पास जो है वो नेट इंटरनेट जब क्रिएट हुआ तो वहाँ पे डेटा लोगों के पास ऑलरेडी अवेलेबल था, सेफ था, तो उन्होंने क्या करा, लिंक्स बना के शेयर करना शुरू कर दिया। तो इसकी वजह से आपके पास जो है वो बिग डेटा की फॉर्म आ गई इंटरनेट के ऊपर, ये बहुत बड़ा आपके पास डेटा है। इवन आप सर्चिंग के लिए जाते हैं तो आपको चॉइस जो है ना वो उसको देखते देखते आप इवन खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं, गूगल वगैरह पर सर्च करें किसी टॉपिक के ऊपर, तो इतना ज़्यादा वहाँ पे आपको डेटा अवेलेबल होता है। ये बात स्टोरेज वाली बात है कि इसकी बेस के ऊपर पूरा इंटरनेट जो है वो क्रिएट हुआ है, इस प्रॉपर्टी के बेस के ऊपर। ठीक है, और उसके अलावा नेटवर्किंग, ये दो चीज़ें हैं। नेटवर्किंग का मतलब होता है कनेक्टिविटी, ठीक है, स्लो मैं बोल रहा हूँ, नेटवर्क मीन्स कनेक्टिविटी बिटवीन टू कंप्यूटर्स, सही है? ये कंप्यूटर वन है, ये कंप्यूटर टू है, ठीक है, जब तक ये अच्छा, अब आप सुने मेरी आवाज़ कुछ मैंने लाउड लाउड की है, ठीक है, तो ये कंप्यूटर वन है, ये कंप्यूटर टू है। मैं आपको नेटवर्किंग की डेफिनेशन दे रहा हूँ बिल्कुल सिंपल से वर्ड में, ठीक है, वो ये कि ये तो अभी अलग है, ये हमने किसी केबल के ऊपर या वायरलेस से कनेक्ट कर लिया, तो ये क्या बन गया, ये नेटवर्क बन गया, ठीक है, नेटवर्क। अब मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मैंने जो डेफिनेशन दी थी, कनेक्टिविटी बिटवीन टू और मोर कंप्यूटर, यानी इसका मतलब ये है कि कम से कम दो कंप्यूटर तो होने चाहिए, उसके बाद ये एक और कंप्यूटर हमने कनेक्ट कर लिया, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये नेटवर्क आपका बढ़ गया। अब फर्ज करें ऐसे ही नेटवर्क कहीं और है दुनिया के अंदर और वो भी कनेक्टेड है, और आप जो उससे कनेक्ट हो जाते हैं किसी और केबल के थ्रू, सही है, तो ये क्या हो गई, ये कनेक्टिविटी क्या हो गई, ये एक तरीका से आपका नेटवर्क बढ़ता चला जा रहा है, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि फिर ये इंटरनेट बन जाएगा, यानी दुनिया के तमाम कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये बात जिसकी समझ में आई है वो टू लिख के बताए। ठीक है, आखिरी दफ़ा मैं रिपीट कर रहा हूँ, गुड, अच्छा आपका रिस्पांस आया पूरी क्लास का, तकरीबन सभी स्टूडेंट्स में से, कुछ लोगों का तो बार बार आ रहेगा। ठीक है, कनेक्टिविटी बिटवीन टू एंड मोर कंप्यूटर्स इज कॉल्ड कंप्यूटर नेटवर्क, ये एक कंप्यूटर या दो कंप्यूटर दोनों को कनेक्ट कर दिया, ये कंप्यूटर नेटवर्क बन गया। अच्छा, नेटवर्क तो बन गया, उसके बाद क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है डेटा, यानी कि इसने यहाँ से कोई चीज़ यानी चैट ही भेजी है लेट सपोज, तो चैट जो है वो यहाँ से ट्रैवल करती हुई यानी इन केबल से ट्रैवल करती हुई और ये जो है इस कंप्यूटर को मिल गई है लेट सपोज, ठीक है।
तो इस केबल को जो है जब आपके पास मिल गई है तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा डेटा ट्रांसफॉर्मर। यानी दो बातें हैं, एक है कनेक्टिविटी नेटवर्किंग और दूसरी है डेटा ट्रांसफॉर्मर। इसकी क्या एग्जांपल है, इसकी एग्जांपल है हमारे पास के आप किसी को कॉल करते हैं वो फोन नहीं उठा रहा, तो अभी आप कनेक्ट नहीं हुए। अब आप अगर उसने फोन नहीं उठाया और आप कहना शुरू कर दें अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं आप, तो आप नहीं कह सकते ना, क्योंकि डेटा ही नहीं जाएगा। तो ये इसका क्या मतलब है, अभी कनेक्टिविटी नहीं हुई। लेट सपोज उस पर्सन ने फोन उठा लिया, उसके बाद आपने कहा अस्सलाम वालेकुम, तो वो डेटा ट्रांसफर होना शुरू हुआ। देयर आर डिफरेंस बिटवीन कनेक्टिविटी एंड डेटा ट्रांसफर। कनेक्टिविटी क्या है, आप किसी को कॉल कर रहे हैं उसने रिसीव नहीं करा, कनेक्टेड ही नहीं हुए। जब उसने रिसीव कर लिया उसके बाद आपने बोला अस्सलाम वालेकुम, ये जो भी आपने बात करनी थी वो स्टार्ट की, उसने भी बात की, तो ये डेटा ट्रांसफर हो गया। अगर ये बात क्लियर है तो 3 लिख के बताइए। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो है वो, अब मैंने आपको स्टोरेज की भी बात बता दी, टाइपराइटर की भी एग्जाम्पल दी है, कैलकुलेटर की भी एग्जाम्पल दी है, उनमें इतनी नहीं होती थी। स्मार्टफोन जो है वो बेस ही करता है आपके पास कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के ऊपर, यानी रोम होती है, रैम होती है, मेमोरी कार्ड होता है जिसमें हम हार्ड डिस्क करते हैं, तो बेस ही आपके पास जो है ना करता है। और वो बाद में आया है स्मार्टफोन, तो इसलिए उसके अंदर इंटरनेट भी, हालांकि इंटरनेट बना सिर्फ कंप्यूटर की वजह से था और मोबाइल आने से पहले ही बन चुका था। ठीक है, अच्छा अब जरा मैं इसकी बात करूंगा, इसका ऊपर लिखा हुआ भी बूट अप प्रोसेस। कुछ फिगर्स ऐसी होती हैं जो हमारे ना पूरे कोर्स को कवर कर रही होती हैं, और जब आपके पूरे कोर्स को वो कवर कर रही होती हैं तो वो सिर्फ ना सिर्फ उस सेमेस्टर में काम आती हैं, बल्कि ये आने वाले 4 ईयर्स का जो आपका BScS होता है उसमें भी काम आती है। छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, ठीक, आप मैं कोशिश ये करूँगा हर बात को दो दो दफ़ा कम से कम रिपीट करूँ, ताकि जो लोग आप इसमें नए हैं कंप्यूटर के अंदर उन्हें बात बेहतर तरीके से समझ में आए। इस फिगर में है तो ये एक स्मॉल सी फिगर, लेकिन इसके अंदर आप बहुत कुछ कवर करेंगे और उसको जहन में रखेंगे तो इससे भी ज़्यादा कवर करेंगे। बीच में मैं आपको फिर एक बात थोड़ा सा गाइड करना चाहूँगा, वो ये कि जहन में रखने का जो तरीक़ेकार होता है, ये होता है कि जब आपने कोई एक चीज़ नई आपके सामने आई है तो लेट सपोज वो मॉर्निंग के टाइमिंग में आई है, क्लास के दौरान आई है, फिर आप उसको एक दफ़ा अगर शाम में रिपीट कर लेते हैं, दोहरा लेते हैं कि वो क्या बात थी, क्योंकि आपने वो समझी समझ ली है, और उसके बाद आप एक दफ़ा रात में दोहरा लेते हैं, एक दिन एक दफ़ा एक दिन और दूसरे दिन दोहरा लेते हैं, तो वो आपकी नॉलेज बन जाती है। और देखेंगे जितने भी आपके पास ग्रेजुएट प्रोग्राम होते हैं स्पेशली कंप्यूटर साइंस का, ये नॉलेज बेस्ड होते हैं, इसमें इसलिए इसका चांस बहुत कम होता है कि आपको जो है वो एक बात बताई जाए और आप भूल जाए, फिर बताई जाए फिर भूल जाए, सही। तो अगर आप उसको दोहरा लेते हैं एक या दो दफ़ा जहनी तौर के ऊपर जो आपने समझी हुई है, तो फिर वो आपकी नॉलेज का पार्ट बन जाती है, और वही नॉलेज आपकी जो है वो फील्ड में काम आ रही होती है। इसके ऊपर हो सकता है कि कोई कमेंट आ जाए कि चैप्टर दोबारा कब शुरू हो, लेकिन आप में से जिसकी ये बात समझ में आ गई वो 4 वगैरह राइट कर दें। और अगर पढ़ाई से हटके भी बात की जाती है ना, तो एक दो पहले भी कमेंट्स आए थे इसी क्लास में, आज ही बताया गया था कि चैप्टर कब शुरू होगा। थोड़ा सा वेट किया करें, हर बात जो है वो आप ही के लिए होती है और आपकी बेहतरी के लिए होती है। अगर आप वो नोट कर लेते हैं तो वो आपको हेल्प ही आउट करती है। ठीक है, अच्छा अब जो है वो हम बात इसकी किसी करेंगे कि ये जो फिगर है जो कि आपके काम आएगी और इंशाल्लाह बहुत काम आएगी,
चीजें समझने में, और उसके बाद जो है इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। ठीक है, अब देखेंगे पार्ट है, ये बिल्कुल सिंपल सी कोई एक फिगर है जो कि नॉर्मली कंप्यूटर स्टूडेंट्स को जो है पढ़ाई जाती है, लेकिन इसमें जो है वो हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। डिटेल में से पढ़ेंगे कि आप ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं। सिंपल सी जो बात है वो यही है इसमें कि सीपीयू नज़र आ रहा है, इसमें रैम नज़र आ रही है, सही है, एएलयू नज़र आ रहा है, ये बातें तो आपको पता है। ठीक है, लेकिन ये है कि इसको ज़रा सा हम डिटेल में बात ये करेंगे ये होती कैसे है, इनकी वर्किंग कैसे होती है। इसमें दो तीन कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। एक का तो नाम ही लिखा है, वो है बूट अप प्रोसेस, यानी कंप्यूटर स्टार्ट होते तो कैसे होते, एक बात ये करेंगे। दूसरा ये भी करेंगे प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूशन हम कैसे करते हैं, प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन जो है वो कैसे हो रही थी कंप्यूटर के अंदर, और उसके जब हम इनपुट करते हैं और आउटपुट होता है तो स्क्रीन पर हमें आंसर कैसे नजर आ जाता है। ठीक है, उसके अलावा भी और भी पॉइंट क्लियर होंगे कि आउटसाइड जो वर्ल्ड हम कह रहे हैं ये क्या चीज़ है, इनसाइड वर्ल्ड जो कह रहे हैं ये क्या चीज़ है। ठीक है, और इसकी जो मेमोरी है, इसकी मेमोरी वो कितने मतलब पार्ट में होती है, एक कितने टाइप की होती है। ठीक है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट एएलयू का मतलब। अभी मैं एक एक चीज़ बता रहा हूँ तो फिर वो क्लियर आपको होती जाएगी। अभी हमने कहा था थोड़ा सा कोशिश ये किया करें कि ना कंप्लीट होने के बाद को इंशाल्लाह सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा देखें, ये सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसके तीन पार्ट होते हैं। एक जनरल सी बात है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट, और एक होता है रजिस्टर, यानी इनसाइड की मेमोरी होती है। ये प्रोसेसर के अपने अंदर मेमोरी होती है, ये अलग से नहीं आती, प्रोसेसर के साथ आती है, इसको हम कहते हैं रजिस्टर। इसकी जगह ज़्यादा नहीं होती, इसकी एक वेरिएबल के बराबर होती है, यानी ए इज इक्वल टू 5 to 5 वैल्यू यहाँ पर, एक या दो नंबर यहाँ पर लिखे हैं। अर्थमेटिक यूनिट क्या करता है, अर्थमेटिक यूनिट जो है वो चार चीज़ें स्पेशली परफॉर्म कर रहा होता है। एक होता है प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, मोड भी करता है वो, मोड अब मैं आपको बाद में बताऊंगा कि क्या चीज़ होती है। तो आपने जो जहन में बात रखनी है, जो आपको आराम से जहन में याद रहेगा वही रखनी है। फिलहाल अर्थमेटिक यूनिट के चार फंक्शन होते हैं, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, ये अगर आप साथ साथ नोट कर सकते हैं तो कर लें, एक कॉपी के अंदर या नोट पैड ओपन कर लें स्लाइड में, उसमें कर लें। ठीक है, ए एल यू यानी अर्थमेटिक का मतलब ये होता है प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, तो ये तो इस काम आएगा कि इसके अंदर जैसे अब वो मैं एग्जांपल दूंगा तो ये हमने जो है अगेन अगेन मैं ये डिफाइन करना, ये हमने जो है पिछली दफा कर लिया था तो इसलिए हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब जो है वो हम इसकी बात करते हैं कि एक मेमोरी की पहले बात कर लेते हैं। मेमोरी जो है वो क्या होती है, मेमोरी तो जाहिर पर स्टोर के काम आ रही होती है कि आप कोई वेरिएबल्स वगैरह स्टोर करना तो उसके काम आ रही होती है। अच्छा
हमको। आवाज आई है अब आप लोगों को? ठीक है, तो मैं बात ये कर रहा था, मैं कह रहा था आप लोगों से मेमोरी मेमोरी की हमने बात स्टार्ट की थी। तो मेमोरी में होता क्या है, मेमोरी के अंदर जो है वो हमारे पास सबसे जो ज़्यादा स्पेस होता है वो हार्ड डिस्क में होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा स्लो होती है प्रोसेसिंग के अंदर। तो इसकी वजह से एक आपके पास एक मेमोरी और होती है जो कि मेन होती है, कहलाती है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, RAM, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो उसमें जो है वो ऐसा होता है कि वो उसका डेटा यहाँ पर ट्रांसफ़र होता है जितनी रिक्वायरमेंट होती है, और उसके बाद जो है लास्ट में हमारे पास ये भी होता है कि कैशे के अंदर वो पार्ट होता है, जैसे बहुत बड़ा प्रोग्राम है आपके पास, तो अगर इस लाइन के ऊपर है, लाइन बाय लाइन प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट हो रहा होता है इस लाइन में, तो फिर क्या होता है वो कैशे में चला जाता है, क्योंकि कैशे जो है वो करंट एक्टिव लाइन को रखता है जो कि एग्जीक्यूट हो रही होती है। तो ये आपके पास हो गया कैशे। उसके बाद जो आपके पास वैल्यूज रखी जाएंगी, यानी 2 इधर रखना है, 3 इधर रखना है, क्योंकि इस इक्वेशन में 2 है और 3 है, सही है। अच्छा, फिर प्लस भी रखना है, तो इसके अंदर रजिस्टर में प्लस की इंस्ट्रक्शन भी रखी जाएगी। अब अगेन जो हमने अभी डेफिनेशन पढ़ी थी कि डेटा को इन्फॉर्मेशन में इंस्ट्रक्शन कैसे किया जाता है, तो ये वही एग्जांपल है कि ये डेटा है इंफॉर्मेशन क्या है इसकी, 5 आंसर इसका 5 है, तो इंफॉर्मेशन है। कैसे सॉल्व होगी, ये इंस्ट्रक्शन से होगी, इंस्ट्रक्शन क्या है प्लस है। तो इसमें हमने रख दिया 2, इसमें रख दिया 3, इसमें रख दिया प्लस, ठीक है। अब ये सबसे लास्ट मेमोरी क्यों, ये प्रोसेसर के अंदर ही है और सबसे ज़्यादा फास्ट है और सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है ये, मतलब प्रोसेसर में बिल्ड इन आती कोई बाहर से, जैसे रैम आप ला के चेंज कर देते हैं। अभी आपको बताता हूँ कैशे का गेन, मतलब ना कैशे करंटली जो भी लाइन जो एग्जीक्यूट कर रहा होता है ना, उस लाइन को ये मतलब कैशे में रखता है। तो 2 3 प्लस 2 प्लस 3 यहाँ पे रख दिया। अब क्या है, अब इसका काम है, ये क्या है? कंट्रोल यूनिट है। ये क्या करता है, ये एग्जीक्यूट करवाता है इंस्ट्रक्शन। तो जब ये तीन आपको ये इसके अलग अलग मिलेंगे 2 प्लस 3, तो उसको कंट्रोल यूनिट को ये पता चलेगा कि इसमें एक इंस्ट्रक्शन आई है, तो अब उसको एग्जीक्यूट करवाना है, यानी ये प्लस की इंस्ट्रक्शन है तो एग्जीक्यूट करवाना है। तो अब वो क्या करेगा, वो जो है वो खुद तो नहीं करता, क्योंकि उसका काम तो एग्जीक्यूट करवाना है, यानी दूसरे पार्ट से काम लेना है। तो जो आपका जो मेन पार्ट है वो है इस सूरत में हमारे पास ALU, ऑटोमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। अब क्योंकि प्लस है तो वो क्या करेगा, ये भी दो डिफरेंट पार्ट है, प्लस का सिंबल है तो ऑटोमेटिक यूनिट के ऊपर भेज देगा। अगर लेस देन होता है या ग्रेटर देन होता है, यानी कि कंपेयर आप करा रहे होते कि एक जो है वो वैल्यू दूसरे से लेस है या ग्रेटर है, तो फिर वो किसके पास भेजता, वो भेजता लॉजिकल यूनिट के पास। तो ये दो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उसके ALU के अंदर, एक अर्थमेटिक होता है और एक जो है वो होता है लॉजिकल यूनिट। ये कैसे क्वेश्चन आ रहे, तीसरे या चौथा क्वेश्चन आया, मैं आप बोल तो रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जरा सा वेट कर लें, ये बीच में मैं दोबारा दोहराऊंगा, वो चीज़ दोबारा आएगी, कैसे का जिक्र आएगा, तो फिर जो है इंटरनेट भी मैं लेके आऊंगा इसके अंदर ना आपकी एग्जांपल में। अच्छा, आप लोग क्वेश्चन करें कोई बात नहीं करें, लेकिन थोड़ा सा मुझे टाइम भी दें इस चीज़ों को ना क्लियर करने का। थोड़ा स्लो स्लो मैं इसलिए चल रहा हूँ कि बहुत सारे लोग अभी इतने ज़्यादा यूज्ड टू नहीं है इन चीज़ों से, तो बात अगर स्लो की जाए, कोशिश की जाए कि आपकी समझ में भी आए तो ज़्यादा बेहतर हो। ठीक है, 3 लिख के बताएं, मैं सही कह रहा हूँ क्या? चलो 3 3 तो आ गए कम से कम। अच्छा, 3 3 का एक भी मतलब है, ये मतलब है कि बाकी लोग जो कंसंट्रेट कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मैं बात कर रहा हूँ। अब आप जो है ना ऐसी फील्ड में आ गए जहाँ आपकी स्किल जो है वो आपकी नॉलेज पे बेस करती है, ये छोटी छोटी बातें मिल के आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर करती चली जाएंगी, और सेकेंड सेमेस्टर में, थर्ड में, फोर्थ में, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाएंगे,
बहुत सारी बातें क्लियर होती चली जाएंगी। तो कंट्रोल यूनिट ने क्या कहा, उसने कहा कि मुझे एग्जीक्यूट कराना। अच्छा ये हुआ क्या, जब आपके पास ये कैशे में इंस्ट्रक्शन थी ना, कैशे वो पार्ट है जिसमें बहुत बड़े प्रोग्राम की एक लाइन होती है, यानी करंट लाइन, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है ये प्रोग्राम में, तो जो करंट लाइन होती है उसके अंदर वो होती है, सही है ना। तो वो कैशे में आ जाती है जो करंट लाइन एग्जीक्यूट होनी होती है, क्योंकि इसके अंदर पूरा प्रोग्राम पड़ा हुआ है रैम में, इसमें एक लाइन आएगी फिर वो एग्जीक्यूट होगी फिर एक लाइन आएगी। लेकिन जब ये यहाँ से यहाँ तक लेके आ रहा है तो ये क्या कर रहा है, ये फैच कर रहा है। अच्छा फैच तो कर लिया, फैच के बाद क्या है, उसको अंडरस्टैंड करना, उसको डिकोड करना। इसका डिकोड का यही काम है कि टू अलग कर ले, थ्री अलग कर ले, प्लस अलग कर ले। अब क्या हुआ, ये डिकोड हो गई, यानी अंडरस्टैंडेबल टू कंप्यूटर हो गई है, सही। डिकोड का क्या मतलब, अंडरस्टैंडेबल टू प्रोसेसर। उसके बाद जब ये डिकोड हो गई तो कंट्रोल यूनिट ने क्या करा, उसको एग्जीक्यूट कर दिया। तो अब आप देखें एक साइकिल बन रहा है, वो कहलाता है फैच डिकोड एग्जीक्यूट, ये कहलाता है नॉर्मली मशीन साइकिल, सही। फैच डिकोड और एग्जीक्यूट, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है मशीन साइकिल। रहमतुल्ला आप अपना माइक वो स्पीकर वगैरह चेक करें, बाकी बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो फैच डिकोड एग्जीक्यूट हो गया। ये मशीन साइकिल मैं आपको और डिटेल में आगे पढ़ाऊंगा, इसलिए मैंने जिक्र कर लिया कि आपको एक कॉन्सेप्ट तो देखें, ये फैच हुआ, प्रोग्राम का कुछ पार्ट फैच हुआ, कैशे में आया, फिर डिकोड हुआ, यानी वो रजिस्टर में अलग अलग टू थ्री प्लस, उसके बाद कंट्रोल यूनिट का काम है उसको एग्जीक्यूट करा। अब एग्जीक्यूट खुद नहीं करवाएगा, वो अर्थमेटिक यूनिट से कहेगा कि भाई इसका आंसर लेगा। अब आंसर अगर 5 आगे आएगा, ये तो 5 यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा, यानी उसको आंसर लिखने के लिए भी एक स्पेस चाहिए, मेमोरी चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे आंसर आ गया, यानी ये जो हमारी इस इक्वेशन के अंदर आंसर लिखा हुआ है 5, वो कहाँ पे आया, वो इसमें कैलकुलेट करके इधर रखा हुआ रजिस्टर के अंदर। अब ये क्या करेगा, अब जो है ना उसके बाद लेट हम नॉर्मली ये करते हैं कि रिजल्ट को प्रिंट कराते हैं, जैसे रिजल्ट को जो है वो प्रिंट कराने के लिए हम क्या करते हैं, कंसोल डॉट राइट लाइन लिखते हैं। इतना शायद आपने थोड़ा बहुत देख लिया होगा कि कंसोल डॉट राइट लाइन क्या होता है, टू लिख के बताएं, कंसोल डॉट राइट लाइन अगर आपने देख लिया सी शार्प में प्रोग्राम, जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो आउटपुट के लिए जो है वो, ठीक है। अरे नहीं देखा तो देख लेंगे, ये आउटपुट के लिए प्रिंटिंग के काम होता है ना। तो अब 5 है, 5 को प्रिंट कराना है, तो क्या हुआ, ये पहले 5 जाएगा कैशे में, कैशे से जाएगा रैम में, रैम में जो है वो अगली इंस्ट्रक्शन होगी कंसोल डॉट राइट लाइन सपोज, तो इसका मतलब प्रिंटर मॉनिटर पे राइट करनी है, तो मॉनिटर पे आपका आंसर आता है, अगर आपने किसी ने प्रोग्राम चला के देखा हो सिंपल सा। तो अब ये मॉनिटर पे डायरेक्ट नहीं भेजता, हर हर मॉनी हर डिवाइस के साथ उसका एक डिवाइस कंट्रोलर होता है, यानी एक ऐसी डिवाइस लगी होती है जो इस पूरी डिवाइस को कंट्रोल कर रही होती है। मॉनिटर इज अ डिवाइस एंड वीजीए कार्ड इज अ डिवाइस कंट्रोलर, मॉनिटर इज अ डिवाइस एंड वीजीए कार्ड इज अ डिवाइस कंट्रोलर। तो जब मेमोरी से इधर भेजेगा, यानी 5 आंसर भेजेगा, पहले किसको मिलेगा, वीजीए कार्ड को। 5 आंसर आ गया, कैसे आया, यहाँ पे आया था 5, कैशे में गया, कैशे से फिर रैम में आया। अब रैम से जो है काम मॉनिटर पे राइट कराना है, डायरेक्टली नहीं करेगा, उसके डिवाइस कंट्रोलर से कहेगा, 5 आंसर आया आप मॉनिटर पे राइट करो। तो ये जो है इसका समझना है, ये इसका सुपरवाइजर है, मॉनिटर का सुपरवाइजर, ये मॉनिटर को पूरा कंट्रोल कर रहा होता है। ये डायरेक्ट तो नहीं भेज सकता, तो उसके लिए हमारे पास एक और डिवाइस होती है, वो कहलाती है पोर्ट। ये राउंड शेप में ये पोर्ट है, पोर्ट का ये काम होता है, कंप्यूटर जब उसको कहता है कि डेटा जो है वो राइट करो डिवाइस के ऊपर, तो वो जो डेटा ट्रैवल करता है वो इसके थ्रू ट्रैवल करता है और इधर आके स्क्रीन पे आ जाता है और आपके पास 5 आंसर लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। तो पोर्ट कौन सी, वो लोकेशन होती है जहाँ से डेटा जो है कंप्यूटर से बाहर आता है और डिवाइस पे हमें
कंप्यूटर से इन भी हो सकता है, जैसे कीबोर्ड में किसी ने ए प्रेस करा तो कीबोर्ड पोर्ट जो लोकेशन होती है पीछे कंप्यूटर की, आपने देखी होगी, तो वो कीबोर्ड पोर्ट पे जाती है, वहाँ से जो है वो उसको रिसीव करता है और प्रोसेस करता है। ठीक है, ये बात क्लियर है तो फिर लिख के बताइए। जी, तो मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आपका ये बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, हमने क्या करा, यहाँ से तो डेटा आपके पास गया था, ये प्रोग्राम रैम में था, रैम का वो वाली लाइन जिसमें लिखा था 2+3=5, ये यहाँ से गया था, और उसके बाद जो ये कैशे मेमोरी इधर दिखाई है, यानी कि ये इसके करीब होती है। अच्छा, डेटा ट्रैवल किससे करता है? डेटा जो बस से करता है। बस क्या होती है? एक लाइन होती है, केबल होता है, केबल से 1 जा रहा होता है, केबल से 0 जा रहा होता है, 1 0 इस तरीके से। अब ये यहाँ पे चला गया, यहाँ पे जाके 2+3 इसने करा, आंसर आ गया 5। कंट्रोल यूनिट ने किससे कहा? अर्थमेटिक यूनिट से कहा कि भाई ये आप जो है वो इसको सॉल्व करके दें, तो उसने दे दिया आंसर 5। अब दोबारा कैशे में आया, कैशे से आके फिर 9 पे ट्रैवल करता हुआ किस में आया? मेन मेमोरी में आया। मेन मेमोरी के ऊपर आपने उसको प्रिंट भी कराया था कंसोल डॉट राइट लाइन से, सही है। तो फिर क्या हुआ आपके पास, वो डिवाइस के पास डायरेक्ट नहीं जाएगा, डिवाइस कंट्रोलर के पास जाएगा, जिस डिवाइस का कंट्रोल यानी ये कर रहा है वो वीजीए कार्ड है, तो वीजीए कार्ड के ऊपर वो जाएगा 5। वो क्या करेगा, पोर्ट पे भेजेगा, किसके पोर्ट पे भेजेगा? वीजीए कार्ड ये मॉनिटर के पोर्ट पे भेजेगा। हमें यहाँ पे 5 आंसर लिखा हुआ नजर आ जाएगा। अब आप दोबारा बताएं, 3 लिख के समझ में आई बात? ठीक है, अच्छा, बस एक बीच में मैंने वर्ड यूज कर लिया, बस का मतलब होता है लाइन, सही है, यानी आपके पास ट्रैवलिंग के लिए केबल जिसको आप कहते हैं। लेकिन जाहिर बात है मदर रोड पे तो वो आपके इतने ज्यादा मतलब उसकी साइज इतना कम होता है कि वो थिकनेस उसकी नजर नहीं आ रही होती। ठीक है, अच्छा, अभी हमने जो है वो एक कॉन्सेप्ट ये देखा कि प्रोग्राम कैसे है इंटरनली, मैं इसको रिपीट भी करूंगा, बार बार इसकी ज़रूरत भी पड़ेगी, इसलिए मैंने अभी आपको पहले बता दिया है। ठीक है, HDD का मतलब होता है हार्ड डिस्क, सही है, HDD का मतलब होता है हार्ड डिस्क ड्राइव, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं HDD। तो इसमें जो है वो अब इसका जिक्र करते हैं। अब दूसरी बात मैं बताने के लिए जा रहा हूँ, मैं बताने के लिए जा रहा हूँ बूट अप प्रोसेस। अब ये भी आपने गौर से सुनना है और जितना आप और से कंसंट्रेट करेंगे एक ही दफ़ा में समझ में आ जाएगा। ठीक है, यही तमाम चीज़ें यूज़ होंगी। देखिए, कंप्यूटर बिल्कुल अभी ऑफ है, हमें पता है ये भी आपके पास जो है वो रैम खाली है, हार्ड डिस्क के अंदर है तो सही, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ वगैरह इंस्टॉल तो है, लेकिन ये भी अभी ऑफलाइन है, सही, यानी कि कंप्यूटर चलेगा तो फिर ये ऑनलाइन होगी। कैसे भी है आपके पास, ये तमाम चीज़ें भी हम यूज़ करते हैं, लेकिन इससे पहले एक चीज़ करना है, रोम, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी का मतलब है कि वो रीड ही हो सकती है, राइट नहीं होती, जबकि रैम ऐसी मेमोरी है जो रीड भी होती है राइट भी होती है। तो अच्छा, इसके बाद वाले में ना हम नमाज का भी देख लेंगे, सही, NIC का मतलब बता रहा हूँ, सब बता रहा हूँ, ज़रा सा सफ़र करें, नेटवर्क इंटरफेस पार्ट को कहते हैं, यानी इसके थ्रू हमारा इंटरनेट कनेक्ट होता है, ये वो लोकेशन होती है जहाँ आपका केबल अगर केबल नेट के थ्रू आ रहा है तो वहाँ पे कनेक्टेड होता है, और वो जो जहाँ पे कनेक्टेड होता है वो होता है पोर्ट, और उस पोर्ट से जो डेटा आ भी रहा होता है जा भी रहा होता है, ये मैं भी आपको बता दूँ। तो रोम का मैं बता रहा था, रीड ओनली मेमोरी का ना, तो रीड ओनली मेमोरी जो है वो आपके पास इसमें, अच्छा, कंप्यूटर ऑन हो गया तो देखें उस वक्त तो उसके पास अभी ऑपरेटिंग सिस्टम भी नहीं है, स्क्रीन एकदम ऑन हुई है और बैक बैकग्राउंड के साथ ऑन हुई है, तो अभी ये तो नहीं कि फॉरनली स्टार्ट हो गया, तो थोड़ा सा वो टाइम लेता है, सही है, थोड़ा सा जो है वो टाइम लेता है। अब हम बात ये करेंगे कि जब कंप्यूटर के पास कुछ भी नहीं है, कंप्यूटर
प्रोसेसर तो उसको तो चाहिए कुछ एग्जीक्यूट कराने के लिए, ये अभी जो है ना रेडी नहीं है, रैम बिल्कुल अभी रेडी नहीं है, तो अब उसको बूट होना है या उसको चलना है तो आगे उसको कौन भेजेगा, यानी उसको शुरू की इंस्ट्रक्शन कौन बताए। तो हर कंप्यूटर में इवन मोबाइल के अंदर भी जो है वो रोम होती है, रीड ओनली मेमोरी। इसमें क्या होती है, बिल्कुल स्टार्ट की इंस्ट्रक्शन लिखी हुई होती है कि कंप्यूटर आगे बढ़ेगा तो कौन से इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगा, कि वो जो है ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो वीजी कार्ड जो है वो वीडियो ग्राफिक्स एरे को कहते हैं। ये एक्चुअली जो है आपके पास मॉनिटर के साथ अटैच होता है, जिसमें मॉनिटर के केबल लगा होता है ना कंप्यूटर में, ये पूरे आपके पास जो है मॉनिटर को कंट्रोल करता है, ठीक है। और ये ग्राफिक कार्ड होता है, ठीक है। गेमिंग के लिए और पावरफुल आपको चाहिए होते हैं, मतलब जो नॉर्मल होते हैं वो नहीं लगते, उसके साथ साथ और भी आपके पास जो है वो इंटरफेस लगते हैं। बहरहाल ये अब रोम के अंदर क्या लिखा है, रोम के अंदर लिखा है कि पहले आप ये चेक करो कि तमाम कंपोनेंट कनेक्टेड है, जैसे रैम नहीं है तो वो बीप कर देगा, कीबोर्ड का तार सही नहीं लगा तो वो भी आपको बता देगा। तो ये जो है रोम का काम है। अब एक तो इसकी रोम का काम हो गया, नंबर वन क्या हो गया, चेकिंग, चेकिंग जी, वीडियोग्राफी का डॉक्टर बीजी, तो ये करेगा चेकिंग, चेकिंग करेगा, देखेगा तमाम। तो एक काम तो हो गया रोम का कि चेकिंग कर दिया इसने कि ठीक है सब कुछ ओके। दूसरा ये है कि वो चेक करेगा कि हार्ड डिस्क में क्या विंडोज वगैरह या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है, अगर इंस्टॉल है तो वो क्या करेगा, इंस्टॉल अगर वो होगा तो वो सक्सेसफुली जो है वो क्या करेगा, मेमोरी के अंदर यानी रैम के अंदर रखना शुरू कर देगा, ठीक है। कंप्यूटर के रन होने के लिए ज़रूरी है कि ऑपरेटिंग सिस्टम आपका जो है रैम के अंदर मौजूद हो, मोबाइल में भी यही होता है, ठीक है। मोबाइल की तो रोम ही इतनी बड़ी होती है कि वो उसी के अंदर जो है वो लोड कर देता है, रैम जो है वो यानी रोम की साइज की वजह से जो है वो उसी में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, बिल्ड ही नहीं होता। बहरहाल अभी हम इसकी बात कर रहे हैं, पहले इसको देख ले फिर मोबाइल को देखेंगे। तो रीड ओनली मेमोरी जो है दो काम करे, एक तो ये चेक कर लिया कि भाई आपके पास तमाम चीज़ें जो है वो वर्किंग में है, नंबर वन। दूसरा ये कर लिया हार्ड डिस्क के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम है तो क्या करा, मेन मेमोरी में लोड कर लिया यानी रैम में। मेन मेमोरी का जहाँ पे भी बड़ा है इसका मतलब होगा रैम, आगे भी आएगा लेकिन इसका मतलब रैम ही होगा, तो यहाँ पे इसने लोड करना शुरू कर दिया। अब यूज़र को क्या नज़र आ रहा है, यानी आप लोगों को क्या नज़र आ रहा है, आपको ये नज़र आ रहा है कि सिस्टम के अंदर वो आ रहा है स्टार्टिंग विंडोज़ लिखा हुआ आ रहा है, और क्या हो रहा है ये पहले ये एरिया फिल हुआ स्टार्टिंग विंडो। अच्छा जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाएगा पूरा, जब तक जो है ये आपको ऐसे लोगो दिखाता रहेगा, फिर डेस्कटॉप दिखाएगा, उसके बाद स्टार्ट, जब वो कह देगा कि स्टार्ट कर सकते हैं आप, क्लिक कर सकते हैं स्टार्ट के लिए, तो इसमें ना ऑपरेटिंग सिस्टम सक्सेसफुली लोडेड हो गया, यानी कंप्यूटर रेडी हो गया वर्किंग करने के लिए, ठीक है। और जब वो रेडी हो गया तो रेडी होने के बाद अब जो है आपको एक और काम करना, आपको डेस्कटॉप नज़र आ रहा है ना, तो डेस्कटॉप के अंदर ना, तो डेस्कटॉप ये मैं आपके सबके क्वेश्चन इधर लिखे हुए हैं, मैं अभी एक करके जवाब देता हूँ। तो ये जो है डेस्कटॉप नज़र आ रहा है, अब डेस्कटॉप के बाद खाली डेस्कटॉप ही तो नहीं नज़र आया सारी लाइफ, तो आपने क्या करा क्रोम के ऊपर क्लिक करा, तो जब आपने क्रोम पे क्लिक करा या ब्राउजर के ऊपर क्लिक करा, कोई भी ब्राउजर आप यूज़ कर रहे हैं, तो वो ओपन हो गया। अब उसने गूगल वगैरह कोई चीज़ ओपन आपने करी, वर्किंग कर ली, तो जब आप उसको ओपन कर रहे हैं तो वो क्या करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम जहाँ पे डेस्कटॉप है वहाँ पे नहीं करेगा, वो दूसरे ब्लॉक में करेगा यानी यहाँ पे करेगा, और यहाँ पे आप कंप्लीटली रेडी हो जाएगा जब आपके पास ब्राउजर तो आपको कंट्रोल दे देगा। अब उसके बाद क्या करते हैं, आप इसको मिनिमाइज करते हैं ब्राउजर को, तो आपको फिर डेस्कटॉप नज़र आ गया। आप सपोज करें आपने कोई डॉक्यूमेंट टाइप करना, तो आपने क्या करा एमएस वर्ड पे क्लिक करा, तो एम एस वर्ड क्या हुआ, ये अलहदा ये के अंदर जो है वो लोडेड हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि ये हमारे पास डेस्कटॉप या ऑपरेटिंग सिस्टम लोडेड है, ये आपने मिनिमाइज किया क्रोम वो लोडेड है, और वर्ड जो है वो है। अगर आप वर्ड में काम कर रहे हैं यानी टाइप कर रहे हैं तो कैशे में क्या होगा, वर्ड होगा। अच्छा जैसे आप इसको मिनिमाइज करेंगे और आपने ब्राउजर पे क्लिक करा, तो कैशे में कौन सा डेटा चले जाएगा, कौन सा एरिया जो है वो वर्किंग में आ जाएगा, ब्राउजर का। दोनों को मिनिमाइज कर लिया तो डेस्कटॉप आ जाएगा, तो कैशे में क्या गया, डेस्कटॉप। तो अभी जो मैंने आपको बात बताई थी ना कि ये जो करंट एक्टिव आप जिस प्रोग्राम में वर्किंग कर रहे होते हैं उससे रिलेटेड तमाम डेटा
कैशे में होता है। अब कैशे में ये तीनों चीजें तो नहीं रख सकता ना, जिसमें आप वर्किंग कर रहे हैं वो रखेगा, क्योंकि तो उसी के अंदर आपको बार बार जरूरत पड़ेगी कि स्पीडली वर्क परफॉर्म करें। ये बात समझ में आ रही तो 3 लिख के बताएं। अच्छा चलो ठीक, गुड। अब ये बनाएं कि देखें, जैसे मैंने इसको मिनिमाइज, यहाँ पे होता है ना, मिनिमाइज करा, अपना क्रोम की को मिनिमाइज कर दिया, और उसके बाद वर्ड जो है वो एक्टिव है, तो वर्ड यहाँ पे आ रहा है। तो वीजी कार्ड क्या होता है? वीजी कार्ड ना पॉइंट कर रहा होता है, जैसे किसी ने जो है वो डेस्कटॉप पे क्लिक करा तो ये एरिया नजर आने लगता है, क्योंकि यहाँ पे पूरा डेटा ऑलरेडी लोडेड है। फिर किसी ने जो है क्रोम को ओपन करा, मैक्सिमाइज करा, तो ये एरिया नजर आने लगता है। और फिर जो है वो इसको मैं अपने एमएस वर्ड के ऊपर क्लिक करा तो ये एरिया नजर, तो इसलिए इतने फास्ट स्विचेस कर रहा होता है कि आप मिनिमाइज करते हैं मैक्सिमाइज करते हैं, आपको फौरन फौरन नजर आ रहा होता है। तो ऑलरेडी ये सब चीज़ें लोडेड होती हैं, बस ये होता है कि पॉइंटर हट रहा होता है कि पॉइंटर ये लोकेशन के ऊपर लेके जा रहा है, ये लोकेशन जो भी जिस एरिया में जो भी आपका प्रोग्राम लोडेड है उसकी तरफ जो है शिफ्ट हो रहा है। और ऐसे कैशे भी शिफ्ट होती है, लेट सपोज आपने वर्ड के ऊपर क्लिक करा, उसके बाद आपने ABCD टाइप शुरू कर दिया तो फौरन ABCD लिखा हुआ नजर आ गया। इसका मतलब कैशे में अब किसका डेटा है? कैशे में वर्ड का डेटा है। अच्छा, आपने मिनिमाइज करा, आपने क्या करा, क्रोम पे आ गए, क्रोम के ऊपर जो है आपने गूगल ओपन करा और वहाँ पे सर्चिंग शुरू कर दी, तो अब जो है वो एक्टिवेट कौन सा है? आपके पास ब्राउजर है, सही है, गूगल का सर्च इंजन है, तो वो यहाँ पे शो कर रहा है। यहाँ तक बात क्लियर है? दोबारा जो है, अच्छा नमाज ब्रेक जो है वो अभी हमारे पास 2:06 हो रहे हैं, मेरे पास 2:10 लगा लें, तो ऐसा करें आप लोग 2:30 तक आ जाए, 2:30 तक सही है ना? ओके ठीक, फिर इसको दोबारा कंटिन्यू करते हैं।